आज भी आतंकवाद है, अभी आपने देखा कर्नल को भी मार डाला, दो जो है कैप्टन और सिपाही शहीद हुए नहीं हुए, रोज़ कहीं ना कहीं बम फटता है, अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। तो मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं आतंकवाद, और हमारे सिपाही वो बेचारा क्या कर रहा था, वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, मार दिया उसको फारूक साहब। तो ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? वो जो बेचारा वो CRPF भी और वो जो है वो पुलिस के DSP, जिसका बच्चा मेरे ख्याल से मुश्किल से कुछ महीने पहले पैदा हुआ था, उसको गोली लगी, उसने टेलीफोन पे AD साहब को टेलीफोन कर किया कि भाई मैं मर रहा हूँ, ये हेलीकॉप्टर जो ऊपर घूम रहा है इसको नीचे उतारिए, इसको मुझे ये खून बंद हो। फिर बीवी से कहता है, क्या होगा उसकी बीवी पे असर, कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बचूंगा, मेरे बच्चे का ख्याल रख। 2047 मुझे आंसू आए जब मैंने ये सुना, 2047 कहाँ पहुँचे हम, आतंकवाद बंद नहीं हुआ, वहाँ ढंडूरा पीट रहे जी, टूरिज्म इतना हुआ, अरे एक टूरिस्ट को गोली लग जाएगी कोई नहीं आएगा, ये तो शुक्र कीजिए वो आ रहे हैं और कुछ हम रोटी खा रहे हैं।